जानते हो मैं किसके घर में झूला झूल रही हूँ? ये टुन्नी चिड़िया का घर है और इस घर में टुन्नी चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती है। टुन्नी चिड़िया की बेटी को बहुत जोरों की भूख लगी है और वो अपनी मम्मी से खाना मांग रही है। देखो उसका खाना मांगने का तरीका। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दो। एक, दो, तीन, चार, पाँच। ये लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ अनाज लेकर आई हूँ और जल्दी से खाओ और अपनी भूख शांत करो। अरे, आप मेरे लिए आज फिर अनाज लेकर आई हो? आपको कुछ और नहीं मिला क्या मेरे लिए? नहीं बेटा, बड़ी मुश्किल से आज मुझे ये थोड़े से अनाज के दाने ही मिले हैं। कल मैं आपके लिए कुछ और लेकर आऊँगी, आज आप यही खा लो और इससे ही भूख को शांत करो। ठीक है, आज मैं ये अनाज खा लूँगी तो कल आप मैं तुम्हारे लिए ज़रूर कुछ नया लेकर आऊँगी। ठीक है ना? ठीक है, आप मेरे लिए कल रंग बिरंगे मीठे फ्रूट लेकर आना। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट लाऊंगी, आज मैं इससे भूख शांत करती हूँ। अरे मम्मा, अब आप कहाँ जाने वाली हैं? आप कहीं बाहर जा रही हैं, मुझे भी अपने साथ ले चलो। बेटा, मैं तुम्हारी नानी से मिलने जा रही हूँ। अरे मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे भी नानी से मिलना है, मुझे नानी के घर गए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। बेटा, तुम इतनी दूर उड़कर नहीं जा सकती, मैं थोड़ी देर में आऊँगी। अरे नहीं, मैं उड़ सकती हूँ, मैं अब से आगे आगे उड़ूँगी, आप देख लेना, आप मुझे ले चलो प्लीज़, मुझे ले चलो ना, मुझे जाना है। ठीक है, अगर तुम इतनी ज़िद कर रही हो तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलती हूँ। ठीक है मेरी प्यारी मम्मा। और वो दोनों बाहर उड़कर दूसरे जंगल की तरफ जाने लग जाते हैं। और जैसे ही उसकी नानी का जंगल आता है तो वहाँ पर देखते हैं कि उसकी नानी, अरे वाह, आज तो मेरी बेटी टुन्नी चिड़िया और उसकी बेटी आने वाली हैं। मैंने उसकी बेटी के लिए रंग बिरंगे मीठे मीठे फल इकट्ठे किए हुए हैं, जब वो आएगी तो मैं उसे ये ढेर सारे फल खाने के लिए दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि उसे फल खाना कितना अच्छा लगता है। टुन्नी चिड़िया जब वापस आ रही होती है तो वो बहुत थक जाती है और एक पेड़ पर बैठकर आराम करती है। अरे मैं तो बहुत थक गई हूँ और मुझे तो प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, मेरा तो प्यास के कारण गला सूख रहा है। और वो पानी ढूंढने के लिए निकलती है, उसे नदी में पानी मिल जाता है, वो पानी पीती है और सामने देखती है, अरे इतना बड़ा आम, जरूर ये आम मुझे लगता है कहीं दूर से आया है नदी में। मैं ऐसा करती हूँ, इस आम को उठा लेती हूँ। वो उस आम को उठा लेती है। अरे इतना बड़ा आम, जब मेरी बेटी कल अपनी नानी के घर से आएगी तो मैं उसे ये फल खाने के लिए दूंगी और वो बहुत खुश हो जाएगी, इतना बड़ा आम उसने कभी नहीं देखा है। और वो आम को लेकर अपने घर की ओर जा रही होती है। रास्ते में उसे गोरी कभी, अरे इतना बड़ा आम टुन्नी चिड़िया, तुम कहाँ से लेकर आई हो? क्या चोरी किया है तुमने इस आम को? अरे नहीं, मैं क्यों चोरी करूँगी, ये आम मुझे नदी में मिला है और बड़ी मेहनत करके मैं इस आम को यहाँ लाई हूँ। तुम ऐसा करो, ये आम मुझे दे दो, मुझे ये आम अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हें ये आम नहीं दूंगी, ये आम मैं अपनी बेटी के लिए ले जा रही हूँ, उसे आम खाना बहुत अच्छा लगता है और मैंने अपनी मेहनत की है। अच्छा, तो तुम मुझे आम के लिए मना कर रही हो, देख लूँगी तुम्हें। और टुन्नी वो आम लेकर अपने घर आ जाती है और इसी तरह रात हो जाती है। और रात को टुन्नी सोच रही होती है कि मेरी बेटी जब कल घर पर आएगी तो मैं उसे ये आम खाने को दूंगी, आज मैं ये आम अकेली नहीं खाऊंगी। और इधर गोरी कवि आम के बारे में अपने पति कालू कौवे को बताती है और कहती है कि चलो अब रात हो गई है, तुम ऐसा करो उसके वहाँ से आम को चुरा कर ले आओ। और कालू कौवा कहता है ठीक है, पर तुम्हें पक्का मालूम है ना उसके घर पर आम है? हाँ हाँ, मुझे मालूम है, उसने आम नहीं खाया, उसने आम अपनी बेटी के लिए रखा हुआ है।
तो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, उसके घर पर चला जाता हूँ। और कौवा रात के अंधेरे में ही टुन्नी के घर पर चला जाता है। और जैसे ही वो टुन्नी के घर पर पहुँचता है और वो उसे आम चुरा कर आसानी से धीरे धीरे उसके घर से निकल जाता है। टुन्नी के घर के नीचे झूले पर जो दूसरी चिड़िया बैठी हुई होती है, वो कौवे की ये सारी हरकत अपनी आँखों से देखती है और मन ही मन सोचती है कि कितना दुष्ट कौवा है जो एक छोटी बच्ची का आम भी चुरा कर ले गया है। रात के अंधेरे में ही कौवा वो आम अपने घर ले आता है। अरे वाह, इतना बड़ा आम! हाँ देखो, ये कितना बड़ा आम है। अगर हम इस आम को कल बेचते हैं तो हमें अधिक पैसे मिलेंगे। हाँ हाँ, हम इस आम को बेचेंगे और बहुत सारे पैसे कमा लेंगे। तुम ऐसा करो, अब इस आम को किसी अच्छी जगह रख दो। हाँ, मुझे भी ये आम बहुत ही बड़ा और रसीला लग रहा है। अब हम इसे छुपा कर रखते हैं और कल बाज़ार में बेचने के लिए लेकर जाएंगे और हमें इस बड़े आम के बहुत ज़्यादा पैसे ज़रूर मिलेंगे। और वो दोनों ऐसे बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। और जैसे ही सुबह होती है, कौवा और कौवी अपने आम को देखने के लिए आते हैं। अरे देखो, ये आम तो एक तरफ से ख़राब हो चुका है, और भला कोई ख़राब आम क्यों खरीदेगा। हाँ हाँ, कोई भी ख़राब आम नहीं खरीदेगा। ऐसा करता हूँ, मैं इस आम के लिए पेंट लेकर आता हूँ और इस पर सेम कलर का ही पेंट कर देते हैं, फिर हम इस आम के अच्छे पैसे कमा लेंगे। और जैसे ही दोनों कौवा और कभी ऐसा प्लान बनाते हैं, कौवा अपने घर से पैसे लेकर बाज़ार की तरफ चला जाता है। और बाज़ार में पहुंचकर कौवा एक पेंट की दुकान से मैंगो कलर का पेंट लेकर आता है और उस मैंगो पर पेंट करके कौवा और कभी बाहर लेकर आते हैं मैंगो को। अरे अरे, देखो कितना बड़ा आम है, कितना रसीला आम है। जो भी बड़ा और रसीला आम खाना चाहता है, वो इसे ले जाए और इसके बदले में पैसे दे जाए। चील का बेटा अंदर से अपनी माँ को लेकर आता है। माँ, मुझे वो बड़ा और रसीला आम खाना है, मुझे वो आम खाना है, उसके लिए मुझे पैसे दे दो। चील कहती है, ठीक है बेटा, बताओ तुम ये आम कितने का दे रहे हो। हम ये आम 50 रुपये का दे रहे हैं। अरे इतना महंगा आम लगा रहे हो, आम दे रहे हो या सोना दे रहे हो? भला 50 रुपये का भी आम होता है? अरे इतना बड़ा आम है। हाँ बड़ा आम तो है। चील पैसे लेकर अपने घर से बाहर आती है और कौवे को पैसे दे देती है, और बदले में चील का बेटा उस आम को अपने घर ले जाता है। देखो हमने कैसे चील को उल्लू बनाया और इतने सारे रुपए ले लिए हैं। बेटा आओ, मैं तुम्हें आम काट कर देती हूँ। अरे नहीं मम्मा, किसी भी फल को खाने से पहले उसे धो लेना चाहिए। क्या आपको याद नहीं? अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा, मैं पानी लेकर आती हूँ। और चील फिर एक बाल्टी पानी लेकर आती है और उस बाल्टी के पानी को वो आम पर जैसे ही डालती है, आम का रंग उतर जाता है और वो गला हुआ आम का हिस्सा दिखाई देने लगता है। चील को बहुत गुस्सा आता है कि देखो उस कौवी और कौवे ने हमसे क्या किया है, और वो उस आम को उठाती है और कौवे और कौवी के घर की तरफ जाने लग जाती है। और जैसे ही वो कौवे के घर पर पहुंचती है, वो देखती है, अरे तुम लोग यहाँ पर इतना अच्छा अच्छा खाना खा रहे हो और हमें तुमने इतना गला हुआ और सड़ा हुआ आम दे दिया। अरे नहीं, वो आम तो बिल्कुल अच्छा था, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि वो सड़ा हुआ आम है? मैंने तुम्हारी चालाकी देख ली, जैसे ही उसे धोया उसका सभी रंग निकल गया। और चील उन दोनों की बॉडी अच्छे से पिटाई करती है और वापस अपने घर आ जाती है। टुन्नी चिड़िया और उसकी बेटी ये सब देख रही होती हैं। देखो बेटा, जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। कौवे ने तुम्हारा फ्रूट चोरी किया और आज देखो चील के हाथों उसकी कितनी पिटाई हुई। चील ने क्या किया? चील ने कौवे और कौवी की बहुत अच्छे से पिटाई की, क्योंकि
चील को उन्होंने रंग लगाया हुआ आम खाने के लिए दे दिया था। भला फलों पर भी कोई ऐसे रंग लगाता है? हाँ हाँ बहन, कुछ दुष्ट लोग पैसे के लालच में फलों को भी रंगते हैं।